अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर उर्दू में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जैसा कि आपको पता है कि अभी 21 अप्रैल की शाम को आलम इस्लाम को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जब एक आलम दीन, एक इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान का इंतकाल हो चुका है, जो कोविड-19 की वजह से नई दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ है। तो उसके बाद एक उनके इंतकाल के बाद काफ़ी सारे लोग ये सदमे का इजहार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो उनकी शख्सियत को तनकीद कर रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम उम्मा में एक ऐसा ऐसा सेक्शन भी है जो उनकी लाइफ को ये कहकर बोल रहे हैं कि मतलब उनका जो नजरिया था वो मुसलमानों के हक में नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें उनके बारे में की जाती है। हम कोशिश करते हैं कि आखिर मौलाना वहीदुद्दीन खान कौन थे, उनकी शख्सियत क्या थी, उस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं। मुख्तलिफ तरह के लोगों को हम अपने इस प्रोग्राम में दावत देते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि आखिर था वो क्या जानते हैं तो फिर क्यों किया आपने? मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कौन थे। तो आज हमने दावत दी है इस प्रोग्राम में, एक समाजी कारकुन भी है, दानिश्वर भी है और सियासतदान भी है, तो वो भी बहुत ही करीब से उनको जानते हैं, उनकी जिंदगी को जानते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में उन्होंने मुताला किया है, उनके लिटरेचर को उन्होंने बहुत बहुत हद तक मुताला किया है, वो भी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को किस हैसियत से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज जनाब जावेद हसन बेग साहब की, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में मौजूद है। जी सर, आपका खैर मुकदम है खबर उर्दू में। बहुत शुक्रिया आसिन साहब। जी, सर आपसे मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आप जाती तौर पे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को कैसे जानते हैं, किस हैसियत से जानते हैं उनको आप एक आलम दीन के तौर पे। सबसे पहले मैं आपने ये मुझे एक छोटे से आदमी को मौका फराहम किया कि मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूं कि अगर आप इस्लामी तारीख को देखें, खासकर पिछले 200 साल की तारीख को देखें, अगर आप 10 आदमियों को गिनेंगे जिन्होंने इस्लाम के हवाले से जो खिदमात की हैं, वो न सिर्फ यहाँ दुनियावी सतह पे उनको अल्लाह तबारक ताला ने एक इज्जत और विकार का मुकाम अता किया, बल्कि अल्लाह ताला उनको आखिरत में भी बहुत ही आला मुकाम अता फरमाएंगे। उनमें उन 10 शख्सियात में मौलाना वहीदुद्दीन खान रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी शामिल होगा। तो जहाँ तक आपका ये सवाल कि मैं उनको कैसे जानता हूँ, एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं उनको जानता हूँ कि मैंने उनकी बेशतर जी किताबों का मुताला किया है जी और कोशिश ये की है कि जो उनका नजरिया रहा है दीन के हवाले से, जो उनका दीनी फिक्र रहा है, उसको समझने की कोशिश करूं। और जिस हद तक मैं उनके दीनी फिक्र को समझ पाया हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून, वो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन जो खला वो पीछे छोड़ के चले गए हैं, इस खला को पूरा करना, अल्लाह माफ करे, शिर्क ना हो, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे नजर नहीं आता कि करीब में कोई मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के जाने के बाद जो खला बना है मुल्क में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया में, इसको पूर्ण करना इतना आसान काम नहीं। जी बहुत सारे लोग जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को तनकीद की नज़र से देखते हैं, ये कहते हैं कि मतलब उनकी जो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है या फिर वो जो जिस तरह से वो बात करते हैं, बहुत सारे लोग रादर बहुत ज्यादा लोग उससे सहमत नहीं है। तो क्या वजह है उस चीज़ की, क्या क्यों उन पर तनकीद की जा रही है। देखें, जहां तक नकाद लोगों का ताल्लुक है, ये प्रॉफिट्स की लाइफ को देखें आप कि जितने भी प्रॉफिट्स आए, कम व पेश 1,24,000 पैगंबर आए, एक ही पैगाम लेके आए, लेकिन आप देखें उनको अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर उनमें से 1,000 साल जिए, कोई 900 साल जिया, कोई 500 साल जिया, बाद में कितने लोग ऐसे थे जो उनको मानते थे। ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन थे, आखिरी पैगंबर थे। अभी हमारी दुनिया में इस वक्त जो मुसलमानों की आबादी है वो 24 से 25% है,
क्रिश्चियनिटी को मानने वालों की कोई 28-30% होगी। तो ये कहना कि किसी आदमी को या किसी शख्सियत को अगर कोई तनकीद का निशाना बनाता है तो उसका रुतबा कम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का ताल्लुक है, इनसे पहले भी जो आलम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े आलम दीन गुजरे हैं जिन्होंने इस्लाम को समझने की कोशिश की और फिर उनके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की, उनको भी तनकीद का सामना करना पड़ा। अब हमारे सामने जो इस वक्त सवाल है वो ये है कि जो तनकीद इनको की जा रही है, मैंने कई लोगों की तनकीद सुनी, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं है कि जो लोग उनकी तनकीद कर रहे हैं वो क्या बाकी उन्होंने उनका मुताला किया है, क्या वो जानते हैं कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का जो दीनी फिक्र था वो क्या था, और जिस नैरेटिव को वो लेके आगे चलते थे क्या वो इस्लामी नैरेटिव था कि नहीं था, उसका माखज क्या था। तो मुझे समझ में तनकाद की जो वो बातें करते हैं मेरी समझ से बालातर है कि वो किस बात पर उनकी तनकीद करते हैं। तो अगर आप कुछ पूछ लें मुझे उनके हवाले से कि उनका नजरिया क्या था, वो क्या इस्लाम को समझते थे, उन्होंने इस्लाम को किस तरह से पेश करने की कोशिश की, और जो तनकीद करते हैं उनका पता चल जाए कि किस बुनियाद पे वो उनकी तनकीद की जाती है, तो फिर किसी हद तक एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अलबत्ता इससे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि साइंस की दुनिया हो, फलसफे की दुनिया हो, या मजहब की जो आलिम रहे हैं दुनिया में, हर दुनिया में एक जब कोई आता है तो अपना मुताला करके अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक एक दलील और एक दावे के साथ लोगों के पास आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो बड़े लोग होते हैं इनके दरमियान एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की एक डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं, जिसकी वजह से हम जो आम आदमी हैं ये कई बार इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि जो ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये एक टाइटंस की डिबेट होती है या डिस्कशन होती है, तो हम इसमें एकदम से साइड्स ले लेते हैं और किसी एक साइड को दुरुस्त समझ के दूसरे को हम तनकीद की उस लेवल पे ले जाते हैं जहां हम उनकी मुखालफत में ये अदब और आदाब और तहजीब के वो सारे तकाजे भूल जाते हैं जिस जो जो, जो हमारी रवायत होनी चाहिए, जो हमारे रियल हीरोज हैं जिन्होंने दीन की खिदमत की है, जब हम उनके बारे में बात करें तो हमें बहुत ही एहतियात से, बहुत ही आदत से और बहुत ही तहजीब से उनके बारे में बात करनी चाहिए, अपने वजन को, अपने इलम को और अपने मुकाम का पास करके और उनकी अहलियत और उनकी काबिलियत और उनके कंट्रीब्यूशन का ख्याल रखते हुए उनके बारे में बात करनी चाहिए, ये ज्यादा मुनासिब और दुरुस्त रहेगा। उनका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता था वो काफी मुख्तलिफ होता था। आप फलस्तीन की बात कर लीजिए, उस वो जो उनका नजरिया था पूरे अकवाम आलम मतलब मुस्लिम दुनिया से उनका नहीं मिल रहा था। इसी तरह से आप बाबरी मस्जिद की बात कर लीजिए, उस पर नहीं मिल रहा था। कश्मीर की बात कर लीजिए, उस पर भी जो लोगों का जो कॉमन पर्सपेक्टिव होता था, मैं ऐसा कहूँ कि जो आम लोगों के जो तासुरात होते थे इन चीज़ों को लेके, तो उनके बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे, उससे वो तनकीद का निशाना बन। आप उसमें उनका क्या क्या कौन सी कैसी हिकमत थी उनकी कि जो इस तरह के फैसले या इस तरह की बातें वो जब करते थे, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड, क्या पर्सपेक्टिव होता था? बहुत ही माकूल सवाल आपने पूछा। अब शायद मैं किसी हद तक वजाहत करने की कोशिश करूंगा अपने महदूद मुताले और तजर्बे की बुनियाद पे। देखें, इस वक्त दुनिया में दो किस्म की सोच जो है वो पनप रही है इस्लामी दुनिया के अंदर। एक का माखज जो है वो एक ईरान के एक थे अल जलाली, वहां से आया, उसके बाद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे आगे काम किया और इसको एक प्रॉपर शेप दे दी, जिसको हम आज समझते हैं पॉलिटिकल इस्लाम जिसको कहा जाता है, या इस्लाम का सियासी पहलू जिसको कहा जाता है। ये वो नजरिया है जो मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका मैंने जिक्र किया, बहुत बड़े आलम दीन, बहुत बड़े मुफक्किर, जब आप उनका मुताला करते हैं तो एहसास होता है कि जब वो कुरान की इंटरप्रिटेशन करते हैं और जिस 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 लेवल पे वो उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो जो शागिर्द हैं या जो तालिबे इल्म हैं वो जानते हैं कि उनकी उनकी इंटेलेक्ट लेवल क्या थी और अल्लाह ताला ने कितने इल्म और बसीरत से उनको नवाजा था।
ये कहने के साथ ही मैं ये अर्ज करूंगा कि उनका एक नजरिया था जो सिर्फ उन्हीं का नजरिया नहीं था, बल्कि कुछ और लोग भी थे जिनका जिन्होंने जमात इस्लामी की दाग बेल डाली। और उनका नजरिया ये था कि चूंकि इस्लाम एक कंप्लीट एक कानून और शरीयत के नफाज का नाम है, इसलिए मुसलमानों पर ये फरीजा है कि वो दीन को सारी दुनिया पर गालिब करने के लिए जद्दोजहद करें। चूंकि ये जाब्ता हयात है, इसलिए मुस्लिम उमा पर यह फर्ज आयद होता है कि जहां पर भी उनकी मेजॉरिटी है वो वहां पर इस्लामी हुकूमत के क्याम को अमल में लाएं, और इसको इसकी जद्दोजहद के लिए उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम उन्होंने जमात इस्लामी रखा। और इसको फिर इस पे कई लोगों ने पहले भी काम था, मिस्टर हसनुल्लाह मना थे पाकिस्तान में जो, लेकिन जिस लेवल पर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इसको लेकर गए शायद माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिस तरह से उन्होंने इस पॉलिटिकल इस्लाम को आगे पेश किया लोगों के सामने या इसकी इंटरप्रिटेशन की, इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कंट्रीब्यूशन में भी इसमें रहा है। तो क्रैक्स में कहने की बात यह है कि इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान कहीं ना कहीं बरसर पैकार हैं, इस जद्दोजहद में हैं कि वो सेकुलर हुकूमत जहां कहीं पर भी है उसको हटाया जाए और वहां पर इंस्टॉल किया जाए एक शरी हुकूमत को, ये कोशिशें सारी दुनिया में हैं। इसको हम पॉलिटिकल इस्लाम भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं कि यही रियल इस्लाम। उसके मुकाबले में जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उनका रुतबा बुलंद करे, उन्होंने एक काउंटर नरेटिव दिया और उन्होंने एक सवाल उठाया, उभारा मौलाना मौदूदी साहब को खत किताबत की, और वो सारे खतूत मौजूद हैं जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने किताब लिखी ताबीर की गलती, उसमें उन्होंने एक डिस्कशन, बहुत ही हेल्दी डिबेट और बड़ी हाई लेवल, आप जब देखेंगे कि कितनी बड़ी लेवल पे डिस्कशन और डिबेट्स हुई, लिखे हुए खतूत मौजूद हैं ताबीर की गलती में जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने मौलाना मौदूदी साहब को लिखे और फिर मौलाना मौदूदी साहब ने उनका जवाब लिखा। तो ये डिस्कशन या कहें ये हेल्दी डिबेट कुछ देर चलती रही, उसके बाद मौलाना मौदूदी साहब जो थे वो इस डिबेट से बाहर चले गए, फिर कुछ और लोग आ गए वो इस डिबेट का हिस्सा बने, लेकिन फाइनली जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का नजरिया जो फिक्र है दीन के हवाले से, जो वो दीन को समझ पाए हैं या जिसको जिस तरह वो दीन को पेश करते हैं, उनका ये, मैं आपको एक ही जुमले में बताऊंगा कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ये कहते थे कि हुकूमत साजी से कभी भी किरदार साजी नहीं होगी, आप कितनी भी हुकूमतें बना लें दीन के नाम पर, हुकूमत दीन के नाम पर बन जाएगी, मुल्क दीन के नाम पर बनेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, असली जो मसला है वो है बंदे और अल्लाह के दरमियान का ताल्लुक जो कुरान की बुनियाद पे हो और जिसका माखज़ कुरान और हदीस और सुन्नत हो। और वो सवाल ये पूछते थे कि जो लोग ये दावा करते हैं कि इस्लामी हुकूमत का निफाज ही दीन का असली मकसद है, वो ये सोच और ये नजरिया कहाँ से लाते, कुरान की कौन सी ऐसी आयात है, हदीस में कहाँ पर ये हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबे पेश किए लोगों के सामने किए और खासकर जो आखिरी खुतबा था उसमें उन्होंने इस बात की तलकीन क्यों नहीं की, अगर अगर मकसद सिर्फ ये था कि सारी दुनिया में निजामे मुस्तफ़ा कायम कर रहा है या कोई सिस्टम इस तरह का लाना है और वो सिस्टम सियासी कोशिशों से होगा, तो फिर इस तरह की कोई वसीयत कहीं कुरान में क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए थी, हदीस में क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए थी, नबी के अपनी जिंदगी में क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए थी और उनके आखिरी खुतबे में क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई वजाहत नहीं है। इसलिए वहीदुद्दीन खान साहब ये कहते थे कि मुसलमानों का पहला फरीजा ये है कि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दे, जब वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल देंगे तब किरदार साजी इस तरह की हो जाएगी कि आपकी जिंदगी करप्शन से पाक हो जाएगी, आपकी जिंदगी कि मैं हर वक्त अल्लाह की खुशनूदी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी शामिल हो जाएगी, तो फिर एक ऐसा माशरा तश्कील पाएगा कि जहां का हुक्मरान जो होगा वो भी इस अहल होगा
कि वो हुकूमत करके आपको जो निज़ाम फराहम करेगा वो एन दीन के तकाजों के मुताबिक होगा, वहां का उस्ताद भी उसी तरह का होगा, वहां का ताजर उसी तरह का होगा, वहां का डॉक्टर भी उसी तरह का होगा, और ये हुकूमत साजी से नहीं होगा, ये किरदार साजी से होगा। और मुसलमानों की पहली तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी मुसलमानों की ये होनी चाहिए कि वो फोकस करें एजुकेशन पे, साइंटिफिक डेवलपमेंट पे, और वो कन्फ्रंटेशन से बचें जितना मुमकिन हो सके, वो कन्फ्रंटेशन से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, और अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं उनको सर्फ करें एजुकेशन पे और साइंटिफिक नॉलेज पे और दीन के हुसूल के लिए और दीन को प्रमोट करने के लिए। और इसके लिए वो सरहदों के कायल नहीं, वो ये नहीं समझते थे कि आप वो रियासतों को सरहदों में बांटेंगे, सरहदों में बांट के फिर आप एक निज़ाम नाफिज करेंगे, फिर सजाओं के जरिए से आप कोई कानून साजी के जरिए से आप लोगों को अच्छा मुसलमान बनाएंगे। इस तरह की कोशिशें जनरल ज़ियाउल हक कर चुके पाकिस्तान में, लेकिन नाकाम रहे। तो लिहाजा ये भी एक नजरिया है उनका, इससे इख्तलाफात किए जा सकते हैं, जिस तरह मौलाना मौदूदी साहब के नजरिए के साथ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को इख्तलाफ था, इस तरह मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के नजरिए के साथ आप इख्तलाफात आपको हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि मुसलमानों की राय के इन मुखालिफों की राय थी, वो जो राय कायम करते थे, जिस तरह उनके जो हमारे असलाफ रहे हैं उन्होंने जब भी कोई राय कायम की दीन के हवाले से, तो उन्होंने उसका माखज या तो कुरान को समझा या हदीस को समझा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझा या सुन्नत को समझा। तो इसमें तो कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती कि जहां पर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब पहले पूछते जाकर सारे मुसलमानों को कि आप बताएं मैं किस तरह की राय बनाऊं जो आपको खुश रख सके, तो मुमकिन नहीं है जो दीन के आलिम होंगे कि वो मुसलमानों की राय के मुताबिक दीन की राय को ढालेंगे। मुसलमानों को अपनी राय जो है वो दीन के मुताबिक ढालनी पड़ेगी, ना कि मुसलमान ये तवक्का रखें कि दीन के आलिम फलस्तीन के हवाले से उनकी राय के मुताबिक कुरान की इंटरप्रिटेशन करेंगे, या कश्मीर के हवाले से जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो कुरान की इंटरप्रिटेशन उस तरह से होगी जिस तरह से कश्मीरी चाहेंगे, और इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से या बांग्लादेश के हवाले से जो कुरान और हदीस की वो इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो उसी तरह से होगी जिस तरह से हम लोग चाहते हैं। सबके बड़े आलिम होते हैं जब ये कुरान का मुताला करते हैं तो ये कुरान के शागिरद की हैसियत से और किसी बायस्ड अप्रोच के साथ नहीं करते। ये मजाक नहीं है कुरान की ऐसी इंटरप्रिटेशन करना कि जो आपके सियासी आदाब हासिल करने के लिए हो। इस तरह के लोग जो कुरान शरीफ को या हदीस को या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सियासी अगराज और मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करेंगे कि आपको कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी खुश रहे, अरब लोग किस तरह से खुश रहें, पाकिस्तान के लोग किस तरह से खुश रहें, मुसलमानों को खुश रखने के लिए कुरान नहीं आया है, ना ही हदीस इसलिए है कि मुसलमान खुश हो। कुरान और हदीस इसलिए है कि मुसलमान को ये एहसास हो कि एक अल्लाह है जो इस कायनात का मालिक है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है, उसी अल्लाह के सामने हमने जान देनी है, और जो कुरान और हदीस है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने का जो इख्तियार अल्लाह तबारक ताला ने हमें अता किया है कि हम अपने अमल पर इख्तियार कर सकते हैं, इसकी जवाबदेही हम अल्लाह के सामने हैं। और जो मुल्क है, जिस मुल्क में हम बसते हैं, उसके कानून का एहतराम करना, जहाँ वो शरीयत के साथ टकराव न करता हो, हम पर फर्ज है। यही उनका पैगाम था। और अगर आप इस पे कुछ लोग खुश नहीं हैं तो वो उनसे हक रखते हैं उनसे इख्तलाफ रखने का, लेकिन मैंने दोनों नजरिए आपके सामने, इस्लाम का सियासी नजरिया भी और इस्लाम का एक स्पिरिचुअल पहलू भी, ये तो इस बात ये रखते थे कि बंदे और अल्लाह के ताल्लुक के लिए किसी हुकूमत की जरूरत नहीं होती है। अगर बंदे और अल्लाह का ताल्लुक बन जाए तो फिर सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते। सर मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपने बहुत आसान तरीके से हमें ये समझाने की कोशिश की कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की जिंदगी कैसी थी और उनके पॉलिटिकल थॉट्स थे, लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ पर बन रहा है क्योंकि जो अभी मेन डोमिनेंट जो फोर स्कूल ऑफ थॉट्स, चार स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे इस्लाम में इस वक्त, तो क्या मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब किसी एक पर्टिकुलर थॉट से आए या फिर डायरेक्टली उनका जो सोर्स क्या होता था इन्फॉर्मेशन का, मतलब क्या ऐसी भी एक बात आई है कि मतलब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि जिसके बारे में ये कहा गया कि मतलब उन्होंने लिखा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कश्मीर में, जबकि इस्लाम में ये माना जाता है कि वो तो जिंदा है, वो अभी तक वो हमारे उनका इंतकाल नहीं हुआ है, तो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता था, क्योंकि ये भी एक बात बन चुकी है जिसकी वजह से तनकीद का निशाना बन चुके मौलाना वहीदुद्दीन खान।
देखें, यहाँ भी पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर कि जो ये फोर स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ये फिका के चार स्कूल हैं। जी फिका फिका है कि फिका एक अलग चीज है, इस्लामिक फलसफा एक अलग चीज है। बात फिका की अगर होगी तो मैं सिंपल ये बताऊं कि इसमें दो तरह की सोचें हैं, इस वक्त भी दो तरह की सोचें हैं। एक ये है कि क्या फिका चार स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ कोई वाबस्ता हो, ये जरूरी है, ये तकलीद जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप चार में से किसी एक फिका को आपको बहरहाल फॉलो करना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि फिका इस फिका से पहले, इस फिका से पहले भी इस्लाम था, जब कोई ये चार स्कूल ऑफ थॉट नहीं थे उस वक्त जिस तरह लोग फॉलो करते थे इस्लाम को, अगर उस तरह आज भी किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये बजाते खुद एक स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है, पांचवा स्कूल ऑफ थॉट, अगर इसको नाम दें या ना दें, लेकिन बजाते खुद एक नया स्कूल ऑफ थॉट आ गया कि अगर चार स्कूल ऑफ थॉट से पहले इस्लाम था तो चार स्कूल ऑफ थॉट के बाद अगर कोई इन चारों को मानता है तब भी वो मुसलमान है, और इनसे इख्तलाफ रखता है, कुरान हदीस और सुन्नत को मानता है तब भी वो मुसलमान है। तो मैं क्या इसमें राय दे सकता हूँ? मैं ये आपको बताता हूँ कि जो कुरान शरीफ की इंटरप्रिटेशन है उसके हवाले से मेरी क्या मजाल है कि मैं ये लापकुशाई करूं कि ये दुरुस्त हैं, वो दुरुस्त हैं या वो दुरुस्त हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं कुरान की मेरा मैंने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा भी पढ़ा है, इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की इंटरप्रिटेशन भी पढ़ी है, मैंने जावेद गामदी साहब का अलमीजान भी पढ़ा है। जावेद गामदी साहब बहुत ही मोहतरम शख्सियत है इस्लामी दुनिया में, मैंने उनका भी पढ़ा है। मैं बजाते खुद मौलाना अमीनुद्दीन असलाही साहब जो है सबसे ज्यादा मुतासिर वो उस्ताद थे, जावेद गामदी साहब के भी उस्ताद थे और इनके भी उस्ताद हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के भी उस्ताद हैं और उनके साथी भी हैं मौलाना मौदूदी साहब। और ये बता देता हूँ कि मौलाना मौदूदी साहब और ये जो है ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ये भी इकट्ठे जमात इस्लामी में रहे, बाद में जाके इनके इख्तलाफात हो गए कई कुरान की सूराज के हवाले से। तो लिहाजा हजरत ईसा के बारे में मुसलमानों कुछ मुसलमान उल्मा की कुछ सोच, इस पे मैं यार इस लेवल का आदमी नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ मैंने ये अर्ज किया, आपने मुझे चूंकि पूछ लिया तो मैंने ये अर्ज आपकी खिदमत में की कि सिंपल बात है कि जितने भी हमारे ये रहे हैं इस्लाम के स्कॉलर, आप शुरू करें, ये जो हमारी जो दुनिया है जिसमें हम छोटे से इलम की दुनिया है, इसमें देखें आप इनका कंट्रीब्यूशन आप देखें। ये सबसे पहले आप चले आए अपने हिंदुस्तान, जब हम तकसीम नहीं हुए तो इनका मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े स्कॉलर, एक बहुत बड़े दानिश्वर। उसके बाद हमारी जो यूनिवर्सिटी रखी, क्या नाम था इनका, जिन्होंने बुनियाद रखी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्या नाम था सर सईद अहमद खान, मौलाना सर सईद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत थे। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी शख्सियत, मौलाना इस्लाही कितनी बड़ी शख्सियत, क्या कहते हैं इसको, डॉक्टर जावेद गामदी साहब के कितनी बड़ी शख्सियत हैं, डॉक्टर जमील हैं हमारे पाकिस्तान के कितनी बड़ी शख्सियत हैं। इसी तरह ये हमारे थे यहाँ बरेलवी हजरत, उनको कहते हैं यहाँ के, मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, अहले सुन्नत वाल जमात के जो बड़े दानिश्वर रहे हैं, जो आज के बहुत बड़े आज के रसूल रहे हैं। मुझे ये बताएं जो ये बड़े आलिम हैं, इनके जो इख्तलाफात होते हैं, इनका मुताला इतना ज्यादा होता है, इनकी रिसर्च इतनी ज्यादा होती है, ये कुरान के एक एक हर्फ पे इन्होंने अपनी जिंदगी सरफ की होगी, अपना वक्त दिया होगा, रातों को ये उठ बैठ लोग रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान की खिदमत करते हैं लोगों में। हम आम आदमी जो हैं, हमारे लिए ये मशले राह है, इनके इख्तलाफात भी हमारे लिए बाइस रहमत है। हमें साइड्स नहीं लेने चाहिए, हमें गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऑलरेडी डिवाइडेड मुस्लिम उमा है, तकसीम हो गई है, तकसीम दर तकसीम हो गई है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे आलिम दीन रहे हैं, इन बुजुर्गों के इख्तलाफात हैं, इनको हम इस्तेमाल न करें
इसलिए कि हम मजीद एक दूसरे को तकसीम करें। इनकी जो इख्तलाफात हैं वो इल्मी इख्तलाफात हैं, वो इल्म के हवाले से खुदा के एक होने पर कोई इख्तलाफ नहीं, मतलब आम इंसान को जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, आखिरी पैगंबर होने पे कोई इख्तलाफ नहीं है, सील ऑफ प्रॉफिट्स होने पे कोई, आप मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब पढ़ लें पैगंबर इंकलाब, जो दुनिया में 10 या 15 या 20 किताबें बेहतरीन लिखी गई होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, अगर आप उसका मुताला करें प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन, वो उनमें से एक किताब होगी। जावेद गांधी साहब की किताब पढ़ ले आप मीजान, दुनिया की जो इस्लाम पे लिखी गई बेहतरीन 10-15 किताबें होंगी उनमें एक किताबें होगी। इसी तरह जो मौलाना इसने मौदूदी साहब ने जो किताबें लिखी हैं, जब आप उनका मुताला करते हैं तो आप एक और दुनिया में चले जाते हैं। तो इन लोगों के इख्तलाफात जो हैं वो, ये मेरे सियासी इख्तलाफात की नबीयत नहीं है, ये बांड का झगड़ा नहीं है, ये किसी ट्रांसफार्मर का झगड़ा नहीं है कि लोग हड़ताल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गालियां करेंगे। यार ये ऐसे लोगों का मामला है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत में जिन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ कर दी, इन उलमा में लव चाय से पहले आपने जब मुझे फोन किया और मुझे बताया कि आप मुझे ये पूछना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले मैं नहा धो के आया, फिर यहाँ मैं बैठा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं बावजू होके आया, फिर बैठा आपके सामने कि मैंने जिन लोगों के बारे में बात करनी है मैं उनकी जूती के मैल के बराबर नहीं है। तो ये मौका एक मुझे मिला कि मैं उन लोगों का जिक्र करूं जिन जो इस्लाम की खिदमत करके गए हैं। इस तरह के लोग आगे भी आएंगे, इख्तलाफात आगे भी होंगे, इख्तलाफात जो हैं ये बुनियाद रखते हैं तरक्की की, इवोल्यूशन की, कुशादा जहन की, टॉलरेंस की। इनके इख्तलाफात से हमें सबक सीखने चाहिए, इनको गालियां देकर अपनी असलियत का इजहार नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो गंदगी गलाजत है अगर इनकी तालीमात से वो भी दूर नहीं हुई है, वो हसद, वो बुगज, वो अदावत है, तब भी हम बाहर की दुनिया को दिखावे के लिए ही ये बता दे कि वो लोग हैं जिनकी हम कदर करते हैं, दिल में हम बुगज ही रखते हो, लेकिन जाहिरी तौर फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया हम पर ना हंसे, कि जो जिनको लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, हम अपने लोगों को खुद अपनी इज्जत की नजर से नहीं देखते, बल्कि मामूली बात, ना पता ना खबर, हम इख्तलाफात को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां पर ये खुद लेकर नहीं गए। ये एक दूसरे के साथ बड़े अदब से, बड़ी तहजीब से पेश आते हैं, रहे हैं इन लोगों के साथ, ये गैर मामूली हैसियत के लोग थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। एक जगह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहते हैं इंसान के हवाले से कि तू बड़ा जालिम है और तू बड़ा जाहिल है। ये क्यों अल्लाह ताला, इंसान खुद तखलीक किया परवरदिगार ने इंसान, फिर अल्लाह ताला ने इंसान क्यों क्यों कहा कि तू जालिम भी है क्यों और तू जाहिल भी है? सिर्फ इस वजह से कहा कि जालिम तू इसलिए है कि तू अपनी हकीकत को पहचानता नहीं, तू अपने आप को नहीं पहचानता और तू हर एक पे उंगली उठाता है, और जाहिल इसलिए कहा कि तू अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता। तो लिहाजा ना हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ना हमें अपनी जहालत का कोई एहसास है, और हम इतने बड़े, मैं देख रहा था कुछ लोगों ने जो तनकीद मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब पे की, तो मुझे तो उस वक्त रोना आ रहा था कि ये लोग एक खुद मुसलमान हैं, ये जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर और खुल्फाए राशिदीन के बगैर, जिनको जिनका जिक्र कुरान शरीफ में है या हदीस में है कि अल्लाह तबारक ताला उनसे खुश हुआ और वो अल्लाह से खुश हैं, जिनको जमानत दे दी अल्लाह तबारक ताला ने और बिशारत दे दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपके लिए बख्शिश है, बाकी कोई शख्स ये दावा करे कि मेरी दलील जो है यही दुरुस्त है, उस जैसा माफी कोई नहीं होगा। इस दुनिया में जितने भी आलिम आए, इन्होंने बड़ी सिंसेरिटी के साथ कोशिश की दीन को समझ तक कर हम तक पहुंचाने की। इसमें कहीं पर जो कमी पेशी रह गई, गुजर करने वाला है, हम कौन होते हैं उनको हमी अदालत में कटहरे में खड़ा करने वाले। हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए मगफिरत की दुआ करें और अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करें कि इस तरह के आलिम आते रहें और हम जैसे लोगों को सही रास्ता दिखाते रहें। अल्लाह तबारक ताला आपको और आपके चैनल को तौफीक अता फरमाए कि आप दीन की खिदमत करें और कोशिश ये करें कि ये जो ये इस्लाम, जो इस्लाम हिंदुस्तान स्पेसिफिक नहीं है, मेरी यही गुजारिश है आसिम साहब की, मेरा और जो भी आपने काटना हो
रखना है, काटना है। अलबत्ता एक मेरी गुजारिश है कि इस्लाम एक मैसेज ऑफ पीस है, ये किसी कॉन्टिनेंटल स्पेसिफिक नहीं है, रेस स्पेसिफिक नहीं है, सेक्स स्पेसिफिक नहीं है, रंग का स्पेसिफिक नहीं है, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। डॉक्टर इसरार की राय भी कश्मीर की जंग के हवाले से जो है आप जाकर देख सकते हैं, उन्होंने भी कहा कि कश्मीर में जो कुछ नौजवान कर रहे हैं ये जायज नहीं है, लेकिन लोग उनको भी गालियां देने वाले गालियां देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ इस्लाम का मैसेज, अल्लाह का एक पैगाम नबी सारी दुनिया के लिए लेके आए, इस मुसलमान इसका ठेकेदार नहीं है, ये किताब इस कुरान पर मुसलमानों की इजारादारी नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंस पर मुसलमानों की इजारादारी नहीं है, हदीस मुसलमानों का इलम नहीं है, कुरान मुसलमानों का इलम नहीं है, ये अल्लाह का और उसके नबी का इलम है, ये सबके लिए है, सब इससे तरवर हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम भी दुनिया को कोई अच्छी चीज दे सकें, अगर ना दे सकें तब भी इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर की गंदगी गलाजत है इसको आप अंदर रखें और अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत और कदर करें, जिस तरह हम अपने वालदेन की करते हैं, उनकी तमाम कोताहियों को जानते हुए भी हम अपने वालदेन की इज्जत करते हैं। तो जो दीन के इतने बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी इज्जत वही करेगा जिसके अंदर इज्जत होगी, जिसको घर में इज्जत मिली होगी। तो बहरहाल कोशिश तो यही रहनी चाहिए हम सब की कि अल्लाह तबारक ताला इस मास्याम का जो इस मास्याम में गुजरे हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, ये अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जी जी, तो अल्लाह ताला ने उनको जो रुतबा देना था उनको दिया है। और ये मजहब इस्लाम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अमरीका इंग्लैंड ये स्पेसिफिक नहीं है, ये अल्लाह का मैसेज है, इसको आप नहीं बांट सकते हैं ये पेंसिल की लकीरों के दायरों के अंदर। तो बस मेरी यही, आपने मौका दिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी, बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे और अल्लाह ताला उनकी कब्र को पुरनूर करे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह का पर्सपेक्टिव मौलाना वहीदुद्दीन खान का सामने लाया, लोगों के सामने लाया, हम आपका फिर एक बार शुक्रिया करते हैं खबरों पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।